इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं दीपिका रेंगे। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ है। बुशहर रियासत के पदम पैलेस में विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ। परंपराओं और मंत्रोच्चारण के बीच राज तिलक हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम रामपुर बुशहर से दे रहे हैं, जहां पर विक्रमादित्य सिंह आपको बता दें कि कृष्ण वंश के 123वें राजा बने हैं। महज 13 साल की उम्र में राजा वीरभद्र सिंह ने गद्दी संभाली थी, लेकिन उनका बीते दिन निधन हुआ है, जिसके बाद से ये परंपरा है बुशहर रियासत की, जब तक नई गद्दी नहीं संभाली जाती तब तक राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। परंपराओं और मंत्रों के बीच ये औपचारिकता हुई है, विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ है। सारी परंपराएं और मंत्रों के साथ उन्हें शक्ति प्रदान की गई। चार ठहरी जो है वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह ने 13 साल की उम्र में युवराज गद्दी संभाली थी। उन्होंने 74 साल तक रियासत को संभाला था। अब इसके बाद बेटे विक्रमादित्य सिंह जोर के उत्तराधिकारी है, उन्होंने राजगद्दी संभाली है। बुशहर रियासत की यही परंपरा है। विक्रमादित्य सिंह कृष्ण वंश के 123वें राजा बने हैं। रामपुर रियासत की ये प्रथा रही है कि राजा का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होता है जब तक अगले उत्तराधिकारी का राज तिलक ना हो, क्योंकि राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले परंपराओं के तहत विक्रमादित्य सिंह का राज महल में राज तिलक किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चार ठहरी जो है वहां पर मौजूद थे और राज तिलक के बाद गाजबाज के साथ विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया गया है। विक्रमादित्य सिंह कृष्ण वंश के 123वें राजा बने हैं। पदम पैलेस में विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ है। बुशहर रियासत की यही परंपरा है, जब तक उत्तराधिकारी को राजगद्दी नहीं सौंपी जाती है तब तक राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। जो ठहरी पहुंचे हैं उन्होंने पहले विक्रमादित्य सिंह का गाजबाज से उन्हें नवाजा, और अब जब राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उस वक्त भी ठहरी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको रामपुर बुशहर से दे रहे हैं। परंपराओं और मंत्रों के साथ राज तिलक हुआ है। विक्रमादित्य सिंह कृष्ण वंश के 123वें राजा बने हैं। तो विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच ये राज तिलक किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया गया। हिमाचल के 6 बार के सीएम रहे राजा वीरभद्र सिंह ने 13 साल की उम्र में आपको बता दें कि राजगद्दी संभाली थी। वो 122वें राजा बने थे, लेकिन उनके निधन के बाद और अब उनके अंतिम संस्कार से पहले ये राजगद्दी उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को सौंपी गई है। और इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह कृष्ण वंश के 123वें राजा बने हैं। रामपुर रियासत की यही प्रथा है, जब तक राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है जब तक उसे का उत्तराधिकारी का राज तिलक ना हो, क्योंकि राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसी परंपरा का परिवहन करते हुए विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक पदम पैलेस में शालीनता से किया गया। तो वीरभद्र के अंतिम संस्कार से पहले पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए विक्रमादित्य सिंह का राजमहल में राजगद्दी पर राज तिलक किया गया। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा के सलाहकारों ने बताया कि मंत्रोच्चारण के बीच विक्रमादित्य सिंह का विधि विधान के साथ राज तिलक किया गया। राज तिलक के दौरान सारी परंपराओं को गुप्त रखा गया और सारे कार्यक्रम होने के बाद इसकी घोषणा की गई। राजपुरोहित द्वारा राज तिलक मंत्रों का उच्चारण किया गया, मंत्रों द्वारा शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद ठहरी जो बुलाए गए थे उन्होंने बाजा बजाया, फिर जयकारे लगाए। विक्रमादित्य सिंह के राज तिलक के दौरान चार ठहरी यानी कि श्रृंगला, शनेरी, लालसा और ढंसा के वाद्य यंत्रों को बजाया गया। यही परंपरा रही है और ये चार ठहरी सुबह से ही आए थे और अपना निर्वहन किया।